नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी को मेरा चैनल ऑनलाइन पढ़ो सीखो में स्वागत है। दोस्तों, हमेशा कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टूल्स की बात करेंगे हम, वॉच विंडो के। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एक बड़ा डेटा लिया हुआ है। इस डेटा को हम लोग को क्या करना है कि हम लोग के पास जैसे शीट वन में एक डेटा है, यहाँ पे देखिए ऊपर में कुछ डेटा लिखा हुआ है, नीचे में इसका एडिशन है। अब शीट टू में भी कुछ डेटा लिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे जनवरी का काम कर रहे हैं, फरवरी का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जनवरी का जो डेटा है, हम चाह रहे हैं कि ये जो जनवरी का डेटा है, मान लीजिए 15,520 यहाँ पे है, हम इसको 16,000 पुराना चाह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे या 20,000 पुराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए हमको चेंजिंग करना है। अब मान लीजिए 500 जगह पर हम यहाँ पे 700 कर दिए, तो ये 2000 यानी कि 15,520 बना के नहीं, तो नीचे आकर के देखना पड़ेगा 15,720 है। इसको हम क्या करते हैं 3000 इसमें और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो अब कितना बना ये आपको यहाँ पे देखना होगा, नीचे आकर के ऐसे देखना 18,495 भी घट ही रहा है। दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा टूल्स है हमारे सामने, जैसे उसके लिए हम लोग क्या करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आते हैं फार्मूला में। फार्मूला पे आने के बाद यहाँ पे देखिए वॉच विंडो का एक टूल्स है, इस वॉच विंडो को ऐसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ सामने, यहाँ पे देखिए आपके सामने एक डायलॉग्स खुल करके आएगा, यहाँ पे ऐड वॉच लिखा हुआ है, इस पर ऐसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद रिफरेंस पूछ रहा है, रिफरेंस दोस्तों कैसे देंगे, हम रिफरेंस देने के लिए बहुत ही आसान तरीका जानते हैं, यहाँ पर ऐसे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास शीट वन के डेटा को करना है, तो शीट वन पे आप आ जाइए यहाँ पे, और नीचे आकर के मान लीजिए कि जनवरी, फरवरी और मार्च तीन का करना है, तीन का आपको करना है, तीन को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर से वापस यहाँ पर ऐसे ऐसे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अब देखिए आपके सामने जो है ये तीन डेटा आपके पास आ गया, जनवरी, फरवरी और मार्च का। यहाँ पर देखिए शीट वन, शीट टू, शीट तीन शीट, यानी कि शीट वन पे तीन है, तीन ही हम लिए थे, B35, C35, D35, यानी कि वैल्यू कितना है, एक में 15,120 है, एक में 2210 है और तीसरे में 17,320 है। अब हम चाहते हैं कि इस डेटा में हम लोग चेंजिंग करें, जैसे मान लीजिए फर्स्ट डेटा है जनवरी में हम लोग के पास 15,120 है, कितना हम लोग बढ़ाएंगे कि 20,000 हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं पहले 4,000 बढ़ा करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 19,2020 आ रहा है। अब हमको बार बार इसको नीचे ड्रैग करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ड्रैग करते रहिए और यहाँ पे वैल्यूएशन दिखते रहेगा। 2210 यहाँ पे, इसको 3000 बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे 800, पहले हम लोग 800 ऐड करके देख लेते हैं कितना हो गया, अब 2760 हो गया। अब हम लोग क्या करना है कि 200 यानी कि 240 और बढ़ा देना है, यहाँ पे हमको 240 बढ़ाना है, 600 पहले से है, यानी कि 840 इसको अगर हम कर देते हैं, देखिए 3000 पूर गए। यानी कि हमारा ये वॉच विंडो नीचे का या कहीं भी जो छिपा हुआ है, जो चीज़ हम यहाँ पर रिफरेंस देंगे उसको यहाँ वैल्यूएशन यानी कि टोटल वैल्यू यहाँ पर दिखाते रहेगा, हम यहाँ पर इसको ऐड करके देख सकते हैं। दोस्तों, केवल ये शीट वन की बात नहीं है, शीट टू भी कर सकते हैं, जैसे अभी शीट वन किए हैं। अब हम लोग चलिए दो शीट, शीट नंबर टू का डेटा को ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड वॉच करते हैं, ऐड वॉच करने के बाद रिफरेंस में जाते हैं, रिफरेंस में जाने के बाद यहाँ शीट टू सेलेक्ट करते हैं, शीट टू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग, शीट टू के भी तीन ही डेटा लेते हैं और यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद ऐड पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए शीट वन का तीन डेटा है, शीट टू का भी तीन डेटा, अब हमको अगर मिलान करना हो कि दोनों का डेटा सेम हो, तो हमें शीट टू में हमें ज़रूरत है इसको चेंज करने का। अब यहाँ पे शीट टू में आएंगे, हम लोग को यहाँ पे ज़रूरत है चेंज करने का, कितना 2310 है, वहाँ पे 3000 यानी कि 600 चाहिए, तो मान लीजिए हम यहाँ पे 600 कर देते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पे 2910 हो गया, यानी कि 90 और चाहिए। तो दोस्तों, शीट वन या शीट टू कहीं भी आप काम कीजिएगा, जो भी डिफरेंस होगा, जैसे मान लीजिए जीरो है तो यहाँ पे 100 करते हैं, देखिए कि यहाँ पे बढ़ गया, देखिए 3100 हो गया, पहले 3000 था, अब क्या हो गया 3100 हो गया। 2910 को भी आपको क्या करना है 3100 करना है, आप यहाँ पे कुछ भी बढ़ा दीजिए, मान लीजिए कि शीट टू पर आकर के भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आप 200 और डाल लीजिए, तो
देखिए कितना हो गया आपका, 31 से 10 यहाँ हो गया, 31 हो गया, यानी कि सीट वन पर 10 और करना होगा। तो सीट वन पे चले जाइए, 10 और आप कहीं भी बढ़ा दीजिए तो आपका दोनों भी इक्वल हो जाएगा। यानी देखिए 31 से 10 यहाँ भी, 31 से 10, यानी कि सीट वन सीट टू 50 वो सीट है, उसका भी डेटा आप वॉच विंडो में ऊपर ही देख सकते हैं और यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये बड़े कमाल का हमारा टूल्स है, और इसी तरह का वीडियो और भी देखने के लिए, नया टेक्नोलॉजी नया आइडियाज सीखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल ऑनलाइन पढ़ो सीखो। और इसको दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो अब मेरा वीडियो मिलेगा सबसे पहले आपको। और इसी तरह वीडियो देख करके ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।